राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने पीएम बीमा क्लेम नहीं मिलने पर भारतीय स्टेट बैंक के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसानों ने कहा कि हलका नंबर 19-29 के किसानों को खरीफ फसल बीमा क्लेम नहीं मिलने से नाराज होकर किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों का आरोप है कि बैंक की लापरवाही के कारण हमें फसल बीमा राशि नहीं मिल पाई है। किसानों ने कहा है कि जब तक क्लेम के पैसे उनके खाते में नहीं आएंगे वे धरना जारी रखेंगे। सोमवार को बड़ी संख्या में बैंक के समक्ष एकत्रित होकर किसान बैंक के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए और सरकार, प्रशासन, बीमा कंपनी और बैंक के खिलाफ नारेबाजी की। पहली बार देखा गया कि बैंक की गलत प्रणाली के कारण किसानों को फसल बीमा राशि नहीं मिल पाई है और अपने हक के लिए किसानों को धरने पर बैठना पड़ा। हालांकि बैंक अधिकारियों ने किसानों को मनाने का प्रयास किया पर किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। बागली से रही पाटीदार की रिपोर्ट। किसानों द्वारा जो धरना दिया जा रहा है तो क्या है पूरा मामला जी? भाई साहब, इसमें है ना किसानों हलका नंबर 19 पोलाय में, बामनखेड़ी और पोलाय और अन्य हलकों में भी कोई कोई किसानों को कमलापुर बैंक ने, बैंक ऑफ इंडिया कमलापुर ने 14,662 रुपये दिए और भारतीय स्टेट बैंक बागली ने, कृषि शाखा बागली ने अभी तक 1 रुपया भी किसानों को बीमा क्लेम नहीं दिया। और जिला सहकारी बैंक शाखा बागली और नर्मदा झाबा बैंक चापड़ा ने 3,362 रुपये दिए, बहुत कम बीमा दिया है। तो किसानों को साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्या कारण रहा जो SBI द्वारा जो बीमा राशि नहीं मिल पाई है किसानों को? ये अभी बैंक वाले खुले रूप से बता नहीं पा रहे कि क्या कारण है, कारण नहीं बता पा रहे। और करीब करीब 1.5 साल से किसान पीछे पड़े, किसान इनके आगे पीछे फिर रहे, किसानों को ये पैसा देना नहीं चाहते। अभी अधिकारी भी आए थे बैंक के, क्या बोले वो? क्या वो बैंक के बोले कि हमारे पास आदेश आ गया, हम ये आदेश आपको बता रहे। तो किसानों ने कहा कि भैया आदेश आ गया, ठीक है, हमको किसानों को जो आपने बीमा क्लेम दे रहे हो उस पर मैं ब्याज के ब्याज जोड़ कर दिया जाए, क्योंकि बैंक तो किसानों को ब्याज जोड़ कर ही लेती है, तो 1.5 साल का ब्याज भी जोड़ कर दिया जाए। किसानों ने यह मांग रखी है उनके पास। अभी क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की यही, जब तक ये लिखित में ब्याज सहित किसानों को पैसा नहीं देते तब तक किसान